को लेकर इंदौर में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। इस याचिका में कोरोना महामारी को लेकर हो रही आम जनता को परेशानियों का जिक्र किया गया है और उससे कैसे उपाय किए जाएं, इन सुझावों को लेकर याचिका सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोसवारी ने दायर की है। उनका कहना है कि कोरोना को लेकर जो इलाज मरीजों का चल रहा है उस पर एक निगरानी कमेटी बनानी चाहिए। चलो सब पिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मान लो आ भी गया तो जिस देश में 20 साल के अंदर आधार कार्ड नहीं बन पाया उस देश में वो वैक्सीन कब तक पिलाएंगे, तब तक नई बीमारी पैदा हो जाएगी। और दो बीमारियों ने नई में संकेत दे दिया, इस देश में दस्तक दे दिया, बच्चों का और ब्रेन हेमरेज होने का, इसका इफेक्ट जाकर ब्रेन पर पड़ा है। अब ये दो इलाज तो अभी और हमें झेलना है, तो शारीरिक क्षमता कैसे बढ़े, चिकित्सा व्यवस्था कैसे हो। लॉकडाउन में शारीरिक दूरी के लिए जो कलेक्टर ने आज से सवा महीना डेढ़ महीना पहले ये डिसाइड किया था कि 21 जगहों पर हाट बाजार जैसी जगह दी जाए, 5-5 मीटर की दूरी पर ठेले लगाए जाएं, उसके बाद इनको सड़कों से हटाया जाए और ऑड इवन व्हीकल निजी वाहन जो हैं वो ऑड इवन कर दिए जाएं। देश की सारी अखबारों ने सर्वे कर दिया कि 70% लगभग लोग नहीं चाहते हैं कि स्कूल खुले, तो क्यों दबाव बनाया जा रहा है। और जहां तक फीस का प्रश्न है वो विवाद में जो उनकी बातें हैं उसका जवाब मैं वहां पेश कर दूंगा और इसका भी समाधान हो जाएगा। लोरमी में छत्तीसगढ़ से